तो फिल गेम फैमिली, आप सभी का स्वागत है रेसिडेंट इविल 4 के एपिसोड 6 में। और इन केस आपने यहाँ तक का कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले उन सारे एपिसोड्स को देख लो ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लास्ट एपिसोड में हमें ये पता चला कि एशी के अंदर भी वो पैरासाइट है ना, जिस पैरासाइट ने इन गांव वालों को ऐसा पागल कर दिया है और जिस पैरासाइट की वजह से ये गांव वाले मॉन्स्टर बन गए। पर लुइस ने बताया ना कि उसने सर्जरी करके अपने अंदर से भी ये पैरासाइट बाहर निकाला है और वो एशी की भी मदद करेगा इस पैरासाइट को बाहर निकाल में। लेकिन लुइस को ये सर्जरी करने के लिए कुछ सामान चाहिए और उसने लियोन और एशी को एक जगह पर बुलाया है। तो अब लियोन यानी कि मेरा काम है कि एशी को किसी तरह बचाकर लुइस ने जहां भी बुलाया वहां लेकर जाना है। और जिस तरह से आप लोगों ने यहां तक के सारे एपिसोड्स में 5K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दिया है, इस वाली वीडियो में भी 5K लाइक्स का टारगेट आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो और फिर इसी तरह मैं भी जल्दी जल्दी वीडियोस बनाते रहूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। चलो यहां से कल्टी होते हैं क्योंकि वो भयंकर वाला आदमी भी पीछे पड़ा हुआ है। जब लियोन को देखते हैं ना पीट देता है वो आदमी। Listen, you're the one he wants. If we see him again, you run. What about you? I'll do my job. अच्छा तो लियोन उसी आदमी के बारे में एशी से बात कर रहा था कि वो आदमी ना तुम्हें पकड़ना चाहता है, तो अगली बार जब वो नजर आया ना तो तुम भाग जाना। तो एशी ने पूछा कि तुम्हारा क्या होगा फिर। तो लियोन ने बोला कि वो अपना काम करेगा। Hello, stranger. कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो यहाँ सेव कर लिया जाए। मुझे लग रहा है कि बॉस फाइट जल्दी ही होने वाली है तो मर्चेंट से कुछ खरीदते हैं। Welcome. Ooh, what you buying? इसमें अगर एक और एमरल्ड लगा दिया ना तो ज्यादा प्राइस मिलेगा, जाने तो इसको नहीं बेचते हैं। Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's all. Thank you. लॉन्चर देखो गेम में एक बार तो खरीदूंगा, पता नहीं हो सकता है लास्ट फाइट के टाइम पर खरीदूं, पर अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. ऐसा है ना कि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ये बेच ही देता हूँ, हटाओ। A deal well struck. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. Will that be all then? अभी मेरे काम का इसके पास फिलहाल कुछ नहीं है। My back is killing me. Come back anytime. अभी सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? एशली की जान बचाना। अपनी जान बचाना तो है ही, पर एशली की जान बचाना ज़्यादा टेंशन वाला काम है। Be careful. एशली बोल रही संभल के जाने। हाँ मैं तो संभल के जा रहा हूँ एशली, तुम देखते हुए आना। हेल्थ मेरी कुछ ज्यादा ही कम है, दवाई बना के ना यूज कर ही लेता हूँ। ये वाले मिक्सअप से ना मेरा हेल्थ मीटर बढ़ जाएगा और उसके बाद जब मैं हेल्थ स्प्रे लूंगा तो हेल्थ ज्यादा बढ़ेगा। काम करता हूं, बुलेट्स भी क्राफ्ट कर ही लेता हूं, गोलियां भी बहुत कम ही लग रही है मेरे पास। अभी मेरी सारी गन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल शॉटगन है। ये क्रॉसबो का मैंने मतलब ना के बराबर यूज किया है। मैं सोच रहा हूं कि इसको नेक्स्ट टाइम ना बेच ही दूंगा, जगह भी खाली हो जाएगा। चलो बहुत ज्यादा तामझाम हो गया, आगे बढ़ते हैं। वही आदमी है ना, भागना पड़ेगा भाई। इसके ऊपर तो गोलियां असर ही नहीं करती हैं। मुझे अब लग रहा है कि लॉन्चर खरीद ही लेना चाहिए था। Cease pointless struggling. Abandon your body to the will of our God. You're a shitty missionary. You know that. Oh Almighty, grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run. Okay. Ashley तो भाग गई, मुझे लड़ना है क्या इससे? Asluego. ये बहुत खतरनाक था, लेकिन इसको कुछ हुआ है क्या? लगता नहीं है कि कुछ हुआ, ये क्या बन गया? I thank you for your gift. ये आदमी कम मकड़ी बन चुका है। You wanna get ugly? Let's get ugly. Continuously fire करता है। सस्ते स्पाइडरमैन छलनी छलनी कर दिया। बेवकूफ कौन है वो तो फाइट के बाद पता चलेगा। मेंडेस Heretic.
बहुत ही ज्यादा आसानी से नहीं मरी है, मुझे कुछ गलत लग रहा है। पता ही था। ये मकड़ी नहीं, ये स्कॉर्पियन है भाई। लियोन इसके मजे भी ले रहा है, बोल रहा है कि अब नाचो नाचो वाला डांस कैसे करेगा भाई तुम। ये जलती हुई लकड़ी भी फेंक रहा है, बहुत बढ़िया। मिंडीज का कहना है कि मेरा टाइम कम है, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। अरे मां कसम, सही में मेरा टाइम कम है। इससे पहले दुनिया को मैं टाटा बोल दूं, हेल्थ स्प्रे लगा लेना चाहिए। बॉक्स के पास में अटक गया, अरे निकल यहां से। मनुष फिर जलती हुई लकड़ी फेंक रहा, भागो यहां से। लग ही गई आखिरकार। अच्छा मेरा फैसला करने आ रहा है, अच्छा ही है। लियोन इसके मजे बहुत ले रहा है, पता है लियोन इतने मजे मत ले, पहले इसको मार दे। अरे मरना, मरने का क्या लेगा, अब मरा कि एक और बार जिंदा होने वाला है। अच्छा ये मरने से पहले आई थिंक कि मेन विलेन का नाम ले रहा था, लॉर्ड सैडलर। इसकी आंख गिरी क्या? लियोन! एशली फाइनली, चलो हिम्मत दिखा रही है। लियोन, क्विक, दिस प्लेस इज कमिंग डाउन। ये इसकी सही में आंख गिरी। ओ, आंख उठाने का भी ऑप्शन दिया है। गिव माय रिगार्ड्स टू योर गॉड। लियोन मेंडिस की लाश को बोल रहा है कि अपने गॉड यानी कि लॉर्ड सैडलर को मेरा सम्मान देना। hey, ऐसी थोड़ा सा लूटपाट कर रहा था, चलो अब निकलते हैं यहां से। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेंडिस इतनी आसानी से मर गया है, पता है। You're welcome. एशली की जान अभी तक लियोन बचाते आ रहा था, एशली ने भी जान बचा ली, थैंक यू एशली। दिस फायर इज बाउंड टू कैच देयर अटेंशन, लेट्स कीप मूविंग। लियोन, आई एम नॉट गोना टर्न इनटू वन ऑफ देम, राइट? आई वोंट लेट दैट हैपन, आई प्रॉमिस। लियोन बोल रहा है कि इतना जो आग लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसको देखकर गांव के लोग यहाँ आ सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और एशली बेचारी को टेंशन हो रही है, पूछिए कि मैं इन लोगों की तरह मॉन्स्टर नहीं ना बन जाऊंगी लियोन। तो लियोन ने एशली से वादा किया कि वो उसको मॉन्स्टर बनने नहीं देगा। Let's go. Okay. मुझे ना ऐसा 90% लग रहा है कि शायद ये मेंडेज ना फिर कुछ और बन के अटैक करेगा। अच्छा ये सामने पूरा कैसल है क्या? मेन विलेन का कहीं कैसल तो नहीं है, क्योंकि मेंडेज भी उसको ना लॉर्ड कहकर बुला रहा था, तो शायद इस कैसल में रहता है क्या। अरे भाई साहब, आधी से ज्यादा गोलियां तो मेंडेज के ऊपर उड़ा दी है भाई, बहुत गंदी वाली वाट लगने वाली है। चलो एशली, अगर मर गई तो सॉरी। ये पहला ऐसा ब्रिज है पूरे गेम में जो पार करते टाइम टूटा नहीं। What's going on? ब्रिज भी बंद कर दिया गया है, यानी कि आप वापस तो नहीं जा सकते। और लियोन ने बोला कि कम से कम ये टेंशन नहीं है कि गांव वाले लोग फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप के लोग मिलने वाले हैं। चैप्टर कंटिन्यू किया जाए, लेकिन उससे पहले सेव कर लेते हैं। इसमें ना मुझे इतना पता है कि टोटल 16 चैप्टर्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आधा गेम कंप्लीट हो गया है। Hola, Luis here. You guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. All right, Ashley. Luis just said. I got it. Guess we'd better get going.
तो लियोन बोल रहा था कि वो एश्ली को लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन एश्ली को इस कैसल में आना ही था, और लुइस ने अंदर बुलाया दवाई देने के लिए। ठीक है, पर एक क्विक सेव कर लेता हूँ क्योंकि बार बार फिर कटसीन देखना पड़ेगा। तो लुइस कोई ऐसी दवाई देना चाहता है ना जिससे एश्ली के अंदर जो पैरासाइट है उसका असर कम हो जाएगा, मतलब कि पैरासाइट पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगा लेकिन उसका असर कुछ देर के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। और एश्ली इस कैसल के अंदर क्यों आना चाहती थी ये भी मुझे पता नहीं है, पर अंदर जाने से पहले जो भी वेपन खरीद सकते हैं, अगर कोई नया वेपन ये बेच रहा है मर्चेंट तो खरीद लिया जाए। ये जो मेंडेस की नकली आंख है इसको भी बेच सकते हैं मर्चेंट के पास। ठीक है, आई होप इसका 30-40 हजार मिल जाए। वेलकम, I've got something new for you, mate. भाई साहब, 3 न्यू गन्स आ गई है मार्केट में। What you see is what I've got. सबसे खतरनाक गन है भाई ये ब्रोकन बटरफ्लाई, क्योंकि इसकी पावर पता है 15 है। बस स्पेशल ऑफर भी मिल रहा है इस गन के ऊपर, ये तो अभी खरीदना ही पड़ेगा। जितने सामान बेचने बेच देता हूँ, ये खरीद के जाऊंगा भाई यहाँ से। थैंक यू। रूबी और सफायर बेचना होगा तब पैसे हो जाएंगे। A deal well struck. तो मेरे बैग में जगह नहीं है, बैग हमेशा धोखा दे देता है। बोल्ट थ्रोअर ना बेच देते हैं, पता है ऐसे भी यूज करता नहीं हूं मैं। Your valuables won't do you much good in the grave. जब बोल्ट थ्रोअर ही नहीं रहेगा तो बोल्ट्स रख के क्या करेंगे। थैंक यू। आई सी यू हैव एन आई फॉर थिंग्स। गन्स नॉट जस्ट अबाउट शूटिंग, इट्स अबाउट रीलोडिंग। यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Go on, take this as well, free of charge. We've been saving that one for the right customer. तो मैग्नम की गोलियां बनाने के लिए रेसिपी फ्री में दे दिया है। थैंक यू मर्चेंट, ऐसे ही काम आते रहे। Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Still a pleasant travel. जितनी अच्छी गन्स रहेगी ना पास में, उतना ही आराम से पार कर सकते हैं। और अगर अपने पास अच्छी गन नहीं हुई तो वाट लगने में देखते हो ना 2 सेकंड नहीं लगता है। ये वही आदमी है जिसने जाइंट को जगाया नहीं था। Courtyard's gotta be through that gate. तो लुइस तक पहुंचना है ना तो उस गेट से जाना होगा। Don't think our hosts are gonna roll out the red carpet. Things just keep getting better. लियोन बोल रहा है कि इतनी आसानी से कालीन बिछा के तो जाने देंगे नहीं ये लोग। काम करते ना, राइफल से देखा जाए कितने आदमी लोग हैं। अगर यहां से टेक डाउन कर सकता हूं जितने लोगों को तो फायदा ही रहेगा। राइफल की गोलियां नहीं बना सकते यार, गलत टाइम पे ना गोलियां क्राफ्ट नहीं कर पाता हूं मैं। ठीक है, ओके, यू गुड। ये देखो एक आदमी तो दिख रहा है, लेकिन अभी इनको अलर्ट करना ना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये तो मतलब बेकारी आदमी लग रहे हैं। नहीं, कुछ उतना भी खतरा महसूस तो नहीं हो रहा है, बाकी अभी आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। चलो आ जाओ एश्ली। What are they? Keep your voice down. एश्ली इनको देख के डर गई। लियोन ने बोला कि आवाज धीमी रखो, इनको अलर्ट नहीं करना है। मतलब ये तो टकले टाइप के बेकारी आदमी लग रहे हैं, ऐसा कुछ डेंजरस टाइप का तो मुझे नहीं लग रहा है। इस आदमी ने खुद को मार लिया क्या? अरे नहीं, अरे भाई साहब, गांव वाले लोग के मुंह से सिर्फ टेंटिकल्स निकलता था, अब ये क्या निकला इनके मुंह से, और पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बताओ, इन टकले आदमियों को मैं हल्के में ले रहा था। ऐसी थोड़ा संभल ही के रहना। ब्रोकन बटरफ्लाई को शॉर्टकट में रख लिया जाए ताकि आसानी से निकाल पाऊंगा मैं। कितने नंबर? 3 नंबर पे रख देते हैं। ग्रेनेड को 5 नंबर पे कर सकता हूं। अच्छा, तो कैसल में कंटेनर्स के साथ साथ ये कीमती वाले वासेस भी हैं जिनको तोड़कर अंदर से सामान मिलेगा, तो अब ध्यान रखना होगा।
इस कैसल में इतना सन्नाटा क्यों है? अभी तक एक भी आदमी नजर नहीं आया। ओके मुझे भी पूछना जरूरी था क्या आदमी नजर क्यों नहीं आ रहे। ये लो इसके हाथ में क्या है? ओ तीर है क्या? अरे भाई साहब ये टकली लड़की थी क्या? पता नहीं जो भी थी ऐसी आजा, छुपे मत रहे, आजा मेरे साथ। Come on. Okay. बोलना मत कि इनके पास लॉन्चर भी है। ये धमाका किया किसने? नजर क्यों नहीं? ओके अच्छा कैटेपल्ट है इनके पास। एशली को भी यकीन नहीं हो रहा कि इनके पास कैटेपल्ट क्या कर रहे हैं भाई। टकली हट जा। I guess this is their idea of a warm welcome. लियोन बोल रहा है कि ये गर्मा गर्म स्वागत किया इन लोगों ने हमारा। बात तो सही है। ये इतने कैसे निशान चाहिए? अरे एशली मर गई। मरी नहीं जिंदा है। यहां बहुत मार पड़ने वाली, हेल्थ लगा लो। You're right. Yeah, I'm fine. यहां से तो बस जान बचा के भागना है ऐसा लग रहा है। एक सेकंड का टाइम तो दो। अरे एशली फिर गिर गई। This could work. लियोन ने बोला है कि ये तोप काम आ सकता है। बढ़िया अब इनकी ऐसी वॉच लगाओगे ना भाई, परेशान कर दिया है। लेकिन पहले एशली को बचाना होगा। अच्छा इस दरवाजे को तोड़ना है, ठीक है। मैं तो आ ही रहा था एशली को बचाने। अपने आप कैसे ठीक हो गई एशली? चलो अच्छा ही है। एशली आ जा, मैं वेट कर रहा हूं यहां पर। इनके जिनके पास कैटेपल्ट से ना यहां पर छुप के उनको मार सकते हैं। राइफल निकालो भाई। एशली पीछे क्या करी? पीछे छुप। ये देख लो उसे एसिड भी फेंकते हैं भाई। सारे कैटेपल्ट वाले को एक बार मार दिया ना, तब मैं तोप तक जाकर वो दरवाजे को तोड़ सकता हूं। Ashley, you are right. Yeah, thanks. Ashley, बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी बहुत सही जा रहा है मैटर, तुम बस मरना मत। सिर्फ मुझे लग रहा है ना कि एक ही कैटेपल्ट वाला बचा है और वो यहां से नजर नहीं आ रहा है। अरे ये ब्लू मेडालियन फोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट तो मिला नहीं, लेकिन इतना पता चल गया कि 6 फोड़ना है जिसमें से मैंने एक फोड़ दिया है। एक काम करते हैं, तोप के पास ही जाते हैं, देखते हैं कौन कैटेपल्ट वाला बचा है। टोप का कंट्रोल बहुत ही स्लो है लेकिन काम चल जाएगा। ओके दिख गया मुझे। फायरिंग अगेन। अरे ना जो मेन काम है दरवाजा तोड़ना, उसको खत्म करते हैं। अनलिमिटेड तोप के गोले हैं मेरे पास। एशली तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूं इनको। अब तो ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल कि कोई बचा है। म्यूजिक भी खत्म हो रहा है। इसके रीमेक में इतनी हालत खराब हो रही है तो मैं वही सोच रहा हूं कि इसका ओरिजिनल मैंने खेला कैसे था, क्योंकि मुझे इतना याद है कि मेरा पीसी इतना बेकार था कि मतलब उसमें अटक अटक के चलता था, बहुत ही ज्यादा अटक अटक के।
30 FPS छोड़ो, मुझे लगता है कि शायद 15 या 16 FPS में चलता होगा। उस टाइम FPS के बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी मैं अंदाजे से बता रहा हूं, बहुत ही स्लो चलता था भाई उस टाइम। ओके, यू गुड। ओके। अच्छा, 6 ब्लू मेडालियंस फोड़ने वाला जो साइड मिशन है ना, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एक दो और नजर आए थे, तो 5 ब्लू मेडालियन और फोड़ना है मुझे, जिसमें से एक तो मुझे नजर आया था साइड में कहीं। ऐसी इतना क्यों एक्साइटेड हो रही है, नाम तो मैं लेके जाऊंगा। चलो एक और दिख गया है, कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है। एश्ली को खुश देख के अच्छा लग रहा है, कभी कभी खुश होती है बेचारी, हमेशा डरी डरी घूमते रहती है। चलो ये चौथा मिल गया। ऐसी अभी 2 और बचे हुए, उनको फोड़ूंगा ना तो ज्यादा खुश होना, कुछ अलग रिएक्शन देना। लियोन यू आर बेस्ट, आई लव यू लियोन, नहीं मतलब ये मत बोलना। मेडालियन का कलर ऐसा ब्लू है ना कि इस सिचुएशन में नजर आ ही जाएगा, मिस नहीं होना चाहिए, अगर एक बार नजर आया तो दिख ही जाएगा, पर अभी तक मुझे नहीं दिख रहा, वो अलग बात है। एश्ली से मैं हेल्प मांगते रहता हूं, भले वो करती नहीं है कभी हेल्प। एश्ली अगर ब्लू मेडालियन नजर आया ना बताना। ओ दिख गया दिख गया, देखा एश्ली। इस बार एश्ली ने अलग रिएक्शन दिया। चलो एक और ब्लू मेडालियन बचा है, उसके बाद ये साइड मिशन कंप्लीट हो जाएगा। कोने कोने में देखते चलो एश्ली, कहीं भी हो सकता है। ये लास्ट वाला मेडालियन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, कहां हो सकता है, बिल्डिंग के टॉप पर भी नहीं है, कहीं नहीं है, ना ना ना। एक काम करते हैं, वो जो दरवाजा तोड़ा है ना उसके अंदर जा सकते हैं एक बार, शायद वहां पर आखिरी लटका हुआ हो शायद। ऐसी आ जाओ, चलो अंदर ही चलते हैं, और अंदर जाते आते नजर एक बार रखना, हो सकता है यहीं कहीं हो। पूरा नजर रखा भाई, कहीं नहीं नजर आ रहा है। एक लाश बच गया, 5 फोड़ दिया, मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, इनाम मिलेगा भाई। एक लाश मिल जाना, दूर दूर तक देख लिया, कहां मिस कर रहा हूं क्या मैं। अगर आप लोगों को नजर आया तो कमेंट करके बताना, तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, पूरा देख रहा हूं मैं, पूरा देखा भाई, कहीं नहीं है। अगर उस दरवाजे के अंदर निकला ना तो मैं अपने आप को बहुत कोसने वाला हूं, क्योंकि ये इतना घूम फिर के आया, और जबकि जाना अंदर है और वहीं होगा। ऐसी आ जाओ, 3-3, 4-4 बार देख लिया, नहीं मिला मुझे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लगता है कि वहां पर लटका हुआ है, वही ब्लू मेडालियन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लास्ट वाला ब्लू मेडालियन मिला नहीं है एक्चुअली। चलो एक काम करते हैं, एक लास्ट बार राउंड लगा के आते हैं, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, फिर छोड़ देंगे, क्योंकि ज्यादा फिर एक्सप्लोर हो जाएगा। ऐसी अगर नजर आया ना तो प्लीज बताना, ऐसे बताओगी नहीं तुम, पता है मुझे, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं, हो सकता है हिंट दे दे, क्या पता। बस इस सीढ़ी से नीचे उतरूंगा, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। इसके अंदर है क्या, अरे मां कसम मिल गया, बढ़िया। अगर ये लास्ट वाला मेडालियन छोड़ के जाता ना तो आज रात मुझे नींद नहीं आती, मतलब 3-4 छोड़ दू तो अलग बात है, लेकिन लास्ट वाला, चलो ठीक है। तो लुइस ने कोटियार्ड के अंदर बुलाया है, तो वो तो अंदर ही से जाना पड़ेगा, देखते हैं कि कौन सी दवाई दे रहा है। wow.
Look at this place. I mean, it's old. एशली को ये जगह काफी पसंद आ रही है। बोल रही कि मैं जानती हूँ कि ये जगह बहुत पुरानी है, लेकिन एक बार देखो कितनी अच्छी है। क्विक सेव और उसके बाद देखते हैं कि मर्चेंट क्या बेच रहा है। अगर कोई सामान कॉम्बाइन कर सकते हो तो उसको अभी कर लिया जाए। हाँ ये देखो, इसमें स्टोन लगा सकता हूं। ओके, एक और स्टोन मिल जाता ना उसके बाद ही इसको बेचते, तब अच्छा प्राइस मिलता। Good stuff, stranger. Got some rare things on sale, stranger. इसके पास से एक डायमंड ले लेता हूँ, ये काम आएगा भी। What? You can't go wrong with that. Where would it come back? अब दो येलो डायमंड लगा के इसी को बेचूंगा। देखा, इसीलिए साइड मिशन करना भी जरूरी है। Any welcome. I'll buy, thank you. तो लॉन्चर के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, 45,000 हो गया है मेरे पास। और कुछ इससे एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? We like our herbs, we do. Heal a man, kill a man, they do it all. अच्छा, ब्रीफकेस का कलर अलग लेने से ना कुछ ड्रॉप्स बढ़ेंगे। कोई नया वेपन लेके आया है क्या? नहीं, वही तीनों है। मुझे लग रहा है कि रॉकेट लॉन्चर ही लेना चाहिए। आप लोग क्या बोल रहे हो, कॉमेंट करके बताना। You guess. Bang for your buck, I guarantee it. Anything. Don't get yourself killed now. परचेंट भी मजे लेता है, बोलता है कि मर मत जाना, मरूंगा नहीं, टेंशन मत ले। हेल्थ बना के जो रख लिया और गोलियां भी बना के रख लो। मैग्नम की बुलेट्स बनाने के लिए भाई साहब 17 गन पाउडर चाहिए। कोई भी खतरा आ जाए, लियोन इस बारी पूरी तरह से तैयार है। Most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy. How noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of Master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply. Yes? Never. You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home now that he has chosen death. ये है रमोन भाई साहब और इन्हीं का ये कैसल है। और ये लियोन से सौदा कर रहा था कि जिंदा रहना है तो एशली को दे दो, तो लियोन ने मना कर दिया, एशली ने भी मना कर दिया और इसके आदमी आ गए वाट लगाने। Just stay close. अच्छा, शील्ड लेके आए भाई। Give me a break already. एशली ने बचा लिया, पता है अभी ये सर पे पड़ता मेरे। ये आदमी ने सर पे आर्मर पहन रखा है। रिलोड जल्दी कर लो, जल्दी करो रिलोड, बैंड बजने वाली है। तो एशली इनके लॉर्ड सैडलर को क्यों चाहिए ये तो रमोन ने बता दिया है। Are you okay? Yeah. तो रमोन ने बताया ना कि एशली इसलिए चाहिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट की बेटी है। तो अगर इनके पास प्रेसिडेंट की बेटी कैद रहती है तब ये लोग यूएसए के प्रेसिडेंट से अपना कहां मनवाएंगे। Come on. Okay. तो पहले यूएसए पर और उसके बाद पूरी दुनिया पर लॉर्ड सैडलर का राज होगा, यही इनका मास्टर प्लान है। Be careful. पर ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि लॉर्ड सैडलर के पास ये पैरासाइट आया कहां से। Okay.
एशली ने डोर खोल दिया, पहले यहां पर देखने दो ये क्या है, इसमें कुछ लगेगा जो मेरे पास है नहीं फिलहाल, मार के देखने में क्या था। चल एशली आ जा, इस कैसल का मतलब मेन विलेन रमोन है। बहुत सारे बॉक्सेस मुझे नजर आ रहे हैं जिसमें अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे, लेकिन दिक्कत ये है ना कि सब बंद है। अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे, एक ही दरवाजा खोला एशली ने, ये तो बंद ही होगा, पता ही था। चलो यहीं से चलते हैं। रमोन के कैसल से ना एक एक चिल्लर उठा के ले जाऊंगा, इसको गरीब करके जाऊंगा भाई यहां से। ये परफ्यूम की बोतल है रमोन, परफ्यूम की बोतल ही रखना, लगाना मत, बेचारे लियोन को बार बार नाक बंद करनी पड़ती है। अंदर आइटम्स है लेकिन इसको चाकू से तोड़ा जाए। Looks like we can continue on this way. Be careful. एशली लियोन का बहुत ख्याल करती है, बोलती है संभल के चलते रहो। मैं संभल के हूं एशली। भाई ये क्या आवाज थी, बहुत ही डेंजरस टाइप की दहाड़ने की आवाज आई। नन शाल स्केप, कोई बचकर भागेगा नहीं। अच्छा Poor bastard. That's no way to go. लियोन बोल रहा है कि बेचारा बहुत बुरी मौत मरा है। डायरी, यहाँ के केयर टेकर ने नोट लिखा है कि एक बार मैं फिर से रात में जाग गया क्योंकि उसको एक बेकार सी आवाज सुनाई दी, बेसमेंट के अंदर से पत्थर की दीवारों पर नाखून घसीटने की आवाज, और उस आदमी के अंदर इतनी नफरत है कि वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। कौन है भाई बेसमेंट के अंदर? जो आदमी इस बेसमेंट के अंदर है वो कैसल के लिए काम करता था टॉर्चरर बनकर, क्योंकि उसका बाप दादा सब टॉर्चरर ही थे इस कैसल के। इसकी फैमिली सलाजार फैमिली थी, मैं कसम हॉगवर्ट्स लेगेसी। बेसमेंट के अंदर जो आदमी कैद है ना उसे टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था दूसरों को, और इसी वजह से इस कैसल के मास्टर ने उस आदमी को मतलब बेसमेंट में ले गए। और आगे क्या हुआ ये केयर टेकर लिखना नहीं चाह रहा है, इतना डरा हुआ है। उस आदमी के साथ ऐसा किया क्या? यहाँ का केयर टेकर उसकी आवाज सुन सुन के परेशान हो गया था और वो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो छोड़ के कैसल भाग गया। तो ये जो दहाड़ने की आवाज आई थी ना, ये उसी टॉर्चरर की आवाज थी, मतलब नीचे से आई, यानी कि नीचे नहीं जाना और चाबी नहीं अपने पास, नीचे ही जाना होगा। ये मुझे लग रहा है या चेन की आवाज आ रही है सही में। अरे मैंने अपने पीसी का साउंड बढ़ाया था भाई, चेन की आवाज सुनने के लिए दहाड़ दिया उसने मेरे कान में। ऐसी पूछिए क्या नीचे ये लोग जानवर रखते हैं क्या? चाबी लो, निकलो यहां से। द लाइट इज लॉस्ट, ओके, रोशनी भुला गई है, बहुत अच्छा, निकलते हैं यहां से। ऐसी किस्मत फूटी रहे। ये क्या है? इसकी आंख सिले हुए, ये मुझे देख नहीं सकता और ये बंधा हुआ है, कट लेते हैं यहां से। अरे ये वुल्वरिन क्यों बना हुआ है? अरे वो सस्ते वुल्वरिन, ये देख लो इसके पंजे हैं भाई, भागो यहां से। ओह, चेन की आवाज उसको सुनाई दे दी, लेकिन तेज भी नहीं दौड़ सकता। आ रहा है वो, आ रहा है। ये गन अभी अगर काम नहीं आई तो कब आएगी? ग्रेनेड निकालो पहले। ये तो टस से मस नहीं हो रहा है। Oh
मेरी छह इतनी कीमती गोलियां खा गया, लेकिन चलो मर तो गया कम से कम। हर 10 मिनट के बाद बॉस फाइट हो जा रही भाई, ये क्या बात है। वो तो अच्छा है कि मेरे पास अच्छे अच्छे वेपन्स रहते हैं, वरना पता नहीं क्या होता। यहां से जाने से पहले ना सब कुछ लूट के जाएंगे, बस वो जिंदा मत हो जाना, ये गंदा काम मत करना। ऐसे अभी तक तो कोई दोबारा जिंदा नहीं हुआ है। तो इस कैसल के मास्टर यानी कि रमोन ने इसको ऐसा बनाया था। ये पता है और ज्यादा टफ हो सकता था अगर मेरे साथ एशली भी रहती तो। फिर क्या होता कि मुझे सामने सामने लड़ना पड़ता। अभी तो था कि मैं अकेले छुप के बैठ गया पीछे, लेकिन चलो ठीक है कि ऐसे टाइम पर एशली नहीं थी मेरे साथ। नेक्स्ट बॉस फाइट आया ना, उससे पहले मैग्नम की कुछ गोलियां बना लेनी है। देखते हो ना कितना काम आती है। 17 गन पाउडर चाहिए ये मैग्नम की गोलियां बनाने के लिए, और ये वाला ब्लू रिसोर्स चाहिए। तो रिसोर्स तो है मेरे पास, लेकिन गन पाउडर कम पड़ रहा है। एशली पे पैरासाइट का असर बढ़ते जा रहा है। Nothing. You were right about the animals, though. लियोन आया ना, एशली डर गई, पूछ रही थी कि नीचे हुआ क्या। तो लियोन ने बोला टेंशन मत लो, लेकिन तुम सही थी, नीचे जानवर ही था। You okay? I'm fine. Well. एशली लगातार खांसी जा रही, इसलिए लियोन ने पूछा कि ठीक तो हो ना तुम। तो एशली ने बोला कि अभी के लिए तो फिलहाल ठीक हूं। Come on. Hang on. अच्छा मुझे याद है कि इसके ओरिजिनल वर्जन में ना एशली इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब अजीब टाइप की थी उसमें, क्योंकि गेम भी इतना पुराना था, तो ऑब्वियसली इतने अच्छे से कैपकॉम ने बनाया नहीं था एशली को। अरे भाई कोई पजल लग रहा है। डोर पे एक साइन जल, ओके जो साइन पे अगर, अच्छा ठीक है ठीक है। तो तीनों जो एनिमल्स के साइन बने हुए हैं ना, उसका बेल बजाना है। एक का बजा दिया है, ये सांप वाले साइन का बेल बजाना है। यहां पर भी बहुत सारे ओ ये तलवार, इससे फाइट, तलवार से फाइट कब से करने लगा। वाह फ्री का हथियार मिल गया। What's that used for? Well, it's just a replica. Only a couple of uses for it. अच्छा तलवार से फाइट नहीं करना है, यहां पर कुछ पजल है उसको सॉल्व करना है। ठीक, ये सोल्जर को मारेगा तो फिर ये तलवार में खून लग जाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी क्या, ये सोल्जर मर गया तो फिर उसकी तलवार यहां पे लगेगी। अच्छा कौन सी तलवार कहां किस पेंटिंग में लगी ये देखना है। तो गोल्डन सोर्ड से राजा नाइट को सम्मानित करेगा तो यहां पर लगेगा, ठीक है। और योद्धा के मरने के बाद जंग लगी हुई तलवार जो यहां से उठाया ना मैंने, वो शायद वहां लगेगी। एशली ने हिंट दिया है, लेकिन मैं पहले ही समझ गया कि ये आर्टवर्क की कहानी दर्शा रहा है कि योद्धा आया, फिर राजा ने अपना मतलब पर्सनल योद्धा बनाया और उसने फाइट किया, फिर वो मर गया। ठीक है, एक ही लास्ट सोर्ड बच गई, ये आयरन सोर्ड यहां पर लगेगी। ये रेसिडेंट इविल 4 का अभी तक का सबसे इजी पजल था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना इजी इन लोगों ने दे कैसे दिया, क्योंकि लास्ट अभी इससे पहले जो दो पजल मिले थे ना, कसम से बता रहा हूं दिमाग उलट गया था। लेकिन ये सारे साइन फिर क्यों दिए हैं यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर इस साइन का कोई काम रहा तो वो तो पता चल ही जाएगा। एशली अगर सांप ने डस के तुमको मार दिया ना, बहुत गंदा हो जाएगा फिर।
इतने सारे लोगों से एश्ली को बचाए, एक सांप मार के चला जाएगा तो कैसा लगेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रॉकेट लॉन्चर का पैसा जमा हो ही गया है। ये सब जो सामान बेचूंगा ना, आई थिंक लॉन्चर का पैसा हो जाएगा। दरवाजा फिर बंद है। Hang on, this is the same room as before, isn't it? Guess we just circled around. एश्ली बोल रही कि घूम फिर कर लगता है हम लोग वहीं आ गए हैं और अपने को जाना है कोर्टयार्ड में, क्योंकि लुइस वहीं मिलेगा। अब सामने वाले डोर को कैसे खोला जाए ये देखना होगा। ये क्या है? Leon, what are you doing? Don't even think about trying this yourself. Me? As if. लियोन को पहली बार कुछ उल्टा सीधा करते हुए देखकर एश्ली ने टोका कि क्या कर रहे हो लियोन, मतलब कूदते फांदते चल रहे हो। तो लियोन ने बोला कि खुद करने की सोचना भी मत ये काम। तो एश्ली ने हंसते बोला कि अरे मैं थोड़ी कर पाऊंगी ऐसे भी। Leave this one to me. Leon, are you kidding me? Jumping across chandeliers, seriously, who does that? What are you, my mother? लियोन बड़ा बदतमीज है भाई। एश्ली हंसते हुए बोल रही कि लियोन मतलब झूमर के ऊपर कौन कूदता है। तो लियोन तो पहले हंसा, उसके बाद बोलता है कि तुम मेरी मम्मी मत बनो, ठीक है? एश्ली बेचारी ख्याल करने लगी लियोन का, इसलिए बोल रही थी, वरना उसका क्या जा रहा है, कहीं भी कूदो। इस कैसल से बाहर जाने से पहले ना रमोन को भाई कंगाल बना देना है। Leon, over here. एश्ली बुला रही, क्या देखी है ऐसा? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये मशीन के अंदर पता नहीं क्या सामान लगेगा, अभी तक मिला नहीं है ना। नहीं, एश्ली मतलब खुद ऊपर बुला के नीचे आ गई, ये क्या बात है? तो सामान यहां नहीं छोड़ा, एश्ली आ जाओ ऊपर ही जाना अपने को। मैं नजर भी रखते हुए चल रहा हूं कि गलती से कोई वेपन फ्री का अगर मिल रहा हो तो छोड़ तो नहीं ना दिया मैंने। कैसल के इतने अंदर आ गए, लुइस का तो कोई आता पता नहीं है। Salutations, Mr. Kennedy. Are you ready to hand over the girl? Not this guy again. I'm taking delivery of preparing some entertainment for you. Without further ado, the gallant knight protects the princess fair. तो रमोन ने स्वागत करते हुए बोला कि लड़की को सौंपने के लिए तैयार हो क्या मिस्टर केनेडी? और टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे एंटरटेनमेंट का प्लान कर रखा है, पता नहीं क्या करने वाला है। अटैक करेगा और क्या ही कर सकता है, कर ले भाई अटैक। बताओ रमोन को एश्ली चाहिए, 100 जूते नहीं मारूंगा मैं उसको। भेज जितने आदमी भेज सकता है भेज। ये तो यहां पर काला फाउंटेन उड़ रहा है, वाह काला पानी भी है यहां पर, बहुत बढ़िया। तो रमोन जी ने जो एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया था वो आ गए। एश्ली को उठा के ले जा रहा है कोई, अरे हट। एश्ली को अगर ये लोग उठा के ले गए ना, मिशन फेल है। इसी दिन के लिए शॉटगन पे इतने पैसे खर्चे किए थे भाई। अरे एश्ली को मत उठा यार। अरे कहां लेके जा रहा है, मिशन फेल हो जाएगा, सामने से हट। ये तो लेके निकल पड़ा, अरे रुक जा रुक जा।
the girl. ऐसी जगह गोली लगी है ना, कभी बैठ नहीं पाएगा ये। एशली, किडनैप मत हो, मेरे साथ रहे। अमोन ने लेकिन अच्छा बंदोबस्त किया एंटरटेनमेंट का, बहुत अच्छा। ये जो ऊपर से बैठ के तीर चलाए जा रहे हैं ना, अब उनका नंबर है। इन आदमियों को ना स्कोप की भी जरूरत नहीं है, इतने बड़े निशानची हैं ये लोग। You okay? Yeah, I'm fine. मुझे एक सेकंड के लिए लगा था कि मिशन फेल हो जाएगा या एशली मर जाएगी, लेकिन खैर कि बच गए। वहां सामने लगाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन क्या चाहिए पता नहीं। इस रमोन मनुज का एंटरटेनमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आवाजें आ रही हैं। एग्नम की गोलियां बन जाए बस, अरे भाई साहब मजा ही आ गया। अभी सबसे ज्यादा काम पता है क्या आया, मैग्नम के बाद सबसे ज्यादा काम आया भाई शॉटगन। यहीं से आवाजें आ रही, यानी कि यहीं पर है लोग। दिख गया दिख गया। एशली बस छुप कर रहना तुम, ये बावली सवार हो गई, हट जा। Next. एक तो गोलियां कम और ऊपर से ये आ गया। ये दीवार पे भी चिपकता है, मतलब क्यों? ये नॉर्मल वाले टेंटेकल से ना ज्यादा गोलियां वेस्ट करवाते हैं। एशली बस ऐसे ही मेरे पीछे चलते रहो। एशली ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ख्याल कर रही है लियोन का। एशली क्या बात है, मतलब कुछ कुछ होता है। तो ये व्हील ऊपर लगेगा, ठीक है। एक वास बच गया वहां पर, अब इसको लेके ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि मैं तो कूद के आया था नीचे। यहां से कोई जाने का रास्ता है क्या? अच्छा यहां पर भी व्हील लगाने का है। व्हील लगाने से होगा क्या? लेकिन चलो देख लेते हैं। गंदी गंदी आवाजें आ रही है और ये लैडर नीचे आ गया। अच्छा ऐसी मैं पूरा देख के चल रहा हूं, तुम भी देख के चलो, क्योंकि लोग आने लगे हैं फिर। Next. अरे ऐसी को मारने की क्या जरूरत है? अब उठा के भी ले जा रहा है ऐसी को, हट, मैं घिरा चुका हूं। हेल्थ लगा लो लियोन, वरना ऐसी से पहले मैं मरने वाला हूं। ऐसे जगह पे एशली को मार दिया ना, उसको उठा भी नहीं पाऊंगा मैं। Shit.
अब ना और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। एश्ली को बचाने के लिए मैग्नम की गोलियां यूज करनी पड़ेंगी। एश्ली, ये गोलियां मैंने बॉस फाइट के लिए बचा के रखी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। एश्ली, जब तक तीर वालों को मार नहीं देता, छुपी रहना। एश्ली को जला हुआ तीर पहले ही दिख गया था, मैंने सुना नहीं, सॉरी एश्ली। बड़ा तीर अंदाज बन गया, बता। अरे एश्ली यार, not bad, right? एश्ली को जल्दी रिकवर करो, एक और तीर लगा वो मर जाएगी। You hurt? No, I'm okay. तीर चला रहा ना, एक मिनट रुक जा। इतना ज्यादा निशानची तू कैसे है? और यहां पर तो कोई फिलहाल दिख रहा नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, वरना तीर चलाने की आवाज मुझे अभी भी आई। ऐसी क्या बोलती हूँ, निकला जाए यहां से, कोई तो तीर चला रहा है। पता चला जैसे ही बाहर गया वैसे ही लगा मुझे। ऐसी रुकना मत, कोई दिख रहा है क्या? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, कहां से तीर चला रहा है? एक बार दिख जाए ना तो फील गेम फैमिली। देखो ऐसा है कि जाना तो आगे है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ पीछे, क्योंकि आज के एपिसोड आप लोग यहाँ पे खत्म करेंगे और इसको कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। बस आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करके 5K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो, और बस इसी तरह जल्दी जल्दी वीडियोस आती रहेगी। ख्याल रखो, सेफ रहो, टाटा।